हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। फिफ्थ ऑफ मई 2019 यानी कल संडे को आपका जीआईबी और डीबीएफ का पहला पेपर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसके लिए लर्न विद विपुल के पूरी टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी रिवीजन में लगे होंगे और देखिए, ये जो पेपर है ये आपका पहला पेपर है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आप इसको ध्यान से अभी तक पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातों को जो आप डे टू डे लाइफ में बैंकिंग में करते हैं उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इसका नाम ही है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। हो सकता है आप बैंक में वैसा करते हो लेकिन वो एक्चुअल में रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो आपको जो आंसर करना है वो रूल के हिसाब से जो है वही आंसर करना है। दूसरी बात, एक इन्फॉर्मेशन है, उड़ीसा में जो साइक्लोन आया हुआ है उसके कारण कुछ सेंटर्स पे कल का एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ है और उन सेंटर्स के नाम एक बार आप देख लीजिए। पहला जो है वो है बरहमपुर, उसके बाद भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और राउरकेला। अगर आपका एग्ज़ाम इन सेंटर्स में से किसी जगह पे है तो वो रीशेड्यूल हुआ है और इसके अलावा बाकी जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर आपका एज इट इज़ एग्ज़ाम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर ऐसा नोटिफिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, तो जब आप IIBF के वेबसाइट पर जाते हैं www.iibf.org.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है IIBF का, उसमें जैसे ही आप इस साइट पर विजिट मारते हैं वहाँ पे पहला एक पॉपअप में नोटिफिकेशन आता है जो कि आपको बताता है कि इलेक्शंस के कारण रीशेड्यूल जो हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसको जब आप कट करते हैं, वहाँ पे ऊपर में छोटा सा एक क्रॉस करने का रहता है, कट कीजिएगा तो दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा उसका जो सब्जेक्ट है वो है साइक्लोन वाला ही मैटर पे दिया हुआ है। उड़ीसा में जो साइक्लोन आया हुआ है उसके मैटर पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन पाँच सेंटर्स के अलावे बाकी सारे सेंटर्स पे एज इट इज़ होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है इन सेंटर्स पे वो अभी पहले पेपर टू और पेपर थ्री का तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जब आपको बताया जाएगा IIBF के द्वारा कि आपका पहला पेपर का एग्ज़ाम कब होगा तब आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एग्जाम देने जाएंगे। अब बात करते हैं पहला जो पेपर आपका कल है, इसमें देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा है अच्छा है, अब लास्ट मोमेंट में कुछ घंटे चंद घंटे बचे हुए हैं उसमें आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी छोटे छोटे बातें हैं जैसे कि गार्निसी ऑर्डर हो गया, गार्निसी ऑर्डर पे केस स्टडी जनरली हर अटेम्प्ट में एक रहता है। उसके अलावा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, यहाँ से भी आप एक केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका ड्रॉ ड्रॉई और पेई वाला आता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक फंडा याद रखिएगा, मान लीजिए एक सेल्फ चेक है, ठीक है, सेल्फ चेक है तो आपने चेक इशू किया, मान लीजिए आपका चेक है आपने इशू कर दिया, तो आप कौन है, आप ड्रॉवर हैं, ठीक है, ड्रॉवर आप हैं। और आपका जो बैंक होगा, जिस बैंक का भी आपके पास चेक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास विजया बैंक नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चेक है, तो इस केस में क्या होगा कि ड्रॉवर आप हो गए, बैंक आपका ड्रॉई हो गया क्योंकि बैंक के ऊपर ही आपने चेक ड्रॉ कर दिया। कोई भी चेक जो ड्रॉ होता है बैंक के ऊपर ही होता है, तो ड्रॉई बैंक होगा। और पेई कौन होगा, हमेशा याद रखिएगा जिसको भी पैसा मिलना है वो पेई है। सेल्फ चेक के केस में जो ड्रॉवर होता है वही पेई भी होता है। मान लीजिए आपने अपना चेक जो है वो अपने छोटे भाई को दिया, तो इस केस में पेई कौन होगा, आपका छोटा भाई पेई होगा, ध्यान रखिएगा। ड्रॉवर जिसने चेक ड्रॉ किया, ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, और पेई जिसको भी पैसा मिलेगा, इसमें कंफ्यूज करने का जरूरत ही नहीं, पैसा पेई, पैसा पेई, पेई में ही कंफ्यूज करते हैं हम लोग। मैक्सिमम कैंडिडेट्स बैंक को पेई समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी आप याद रखिएगा जिसको भी पैसा, पी से पैसा, पी से पेई, ठीक है, ड्रॉवर आप और ड्रॉई बैंक। उसके अलावा इस पर भी केस स्टडी रह सकता है, मान लीजिए कस्टमर आपके पास अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है और वहाँ पर उसके पास प्रॉपर KYC है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मान लीजिए सब कुछ है, फोटोग्राफ है उसका रिसेंट, लेकिन उसके पास कोई भी इंट्रोड्यूसर नहीं है जो उसको उस आपके ब्रांच में इंट्रोड्यूस कर सके, क्या उसका अकाउंट आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे। तो देखिए RBI ने क्लियर कट करके रखा है कि प्रॉपर KYC के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन मैंडेटरी अब नहीं है। बहुत सारे बैंक्स में अभी भी प्रैक्टिस में चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। RBI के नॉर्म्स के हिसाब से इंट्रोडक्शन को हटा दिया गया है, मैंडेटरी नहीं रखा गया है, ऑप्शनल है, अगर कोई देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज उसका खाता खोलना है आपको। तो यहाँ भी केस स्टडी आप उम्मीद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी बैंकिंग नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे बातें हैं जिन पर केस स्टडी बना के दिया जा सकता है वो आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी आया है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपका एक बहुत रिप्यूटेड कस्टमर है जिसका बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, वो बैंकिंग आवर्स के बाद आपके यहाँ विजिट कर रहा है, ठीक है, और उसको कुछ पैसे चाहिए इमरजेंसी में,
अदरवाइज वो हो सकता है अपना फंड्स भी विड्रॉ कर लें, आप उसको पेमेंट करेंगे या नहीं, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, हाँ करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा कस्टमर है, नहीं करेंगे क्योंकि रूल्स के खिलाफ है, ऐसे करके। तो वहाँ पे अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बैंक को इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ बैंक में तो यार 4:10 में भी कोई आता है तो हम लोग दे देते थे, मान लीजिए ऐसा आप इमेजिन करेंगे, लेकिन वो रूल्स के खिलाफ है। तो आप जो कल के एग्जाम में आंसर करेंगे वो रूल्स के हिसाब से ही करेंगे, जो रूल्स में है, रूल्स में है कि टाइम के बाद आपको नहीं करना है तो नहीं करना है, क्लियर। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। पहला पेपर है, पहला पेपर में अगर आप कोशिश करके 60 के ऊपर लाते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं आगे के पेपर्स में। तो इसमें अभी भी लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पर अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी PDF टेस्ट ले रखा है, उनको क्या करना है, मान लीजिए हर सेट में 20 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से 13-14 क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा होगा, 5-6 क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आपका सही हो गया वो पार्ट तो आपका क्लियर है, जो गलत हो रहा है अब उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो सही है, हो रहा है यानी कि वहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, मान लीजिए गार्निसी ऑर्डर वाला पार्ट आपका सब सही हो रहा है, तो यानी गार्निसी ऑर्डर आपका अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब उसको फिर रिपीट करके रिवाइज में आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो जो पार्ट आपका ज़्यादा गलत हो रहा है जहाँ से क्वेश्चंस, उन पार्ट्स को आप ज़्यादा रिवाइज कीजिए। उसके अलावा जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, हमारे व्हाट्सएप पर जो स्टेटस के रूप में लास्ट मोमेंट टिप्स आता है, जिनका भी नंबर सेव है, वो देख सकते हैं। उसमें भी हम लोगों ने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। एग्जाम से पहले हम लोग ऐसे 10-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, मे बी वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको एग्जाम में किसी ऑप्शन में हेल्प मिल जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जाम दे लें, एग्जामिनेशन आपका ओवर हो जाए, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 या फिर हमारा मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने मटेरियल को या फिर वीडियोस को अप टू डेट करते हैं और आपके फीडबैक के हिसाब से हम लोग अपने मटेरियल्स को रेगुलरली इंप्रूव करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।